नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माँ स्कंद माता की पौराणिक कथा। नवरात्रि के पांचवे दिन दुर्गा जी के पांचवे स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और छह मुख वाले पुत्र कार्तिक का एक नाम है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और छह मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माना जाता है कि माँ दुर्गे का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। माँ की इस रूप की चार भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की एक ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे दूसरी श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है क्योंकि यह सूर्य मंडल की कुल देवी है, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पदासना भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहे थे। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर को अमर होने की इच्छा थी। यह सुन भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर निराश हो गए, जिसके बाद उन्हें यह वरदान मिला कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध करे। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी शादी तो करेंगे ही नहीं और ना ही उनका ऐसे पुत्र होगा। तारकासुर का यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार तारकासुर करने लगा। तंग आकर सभी देवी देवताएं भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और विवाह करने के बाद शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुए। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता को कार्तिकेय की मां कहा जाता है। जब कार्तिकेय बड़े हुए तब उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया और स्कंद माता को कार्तिकेय की माँ कहा जाता है। इस प्रकार आपकी स्कंद माता की कथा समाप्त होती है। अगर आप ऐसी ही और पौराणिक कथाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।